शंकर भगवान की एक समय निवासी शरण तीर्थ में सोना कड़ी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्य रहते मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे विष्णु पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। यह अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोच, किस यंत्र के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोच कर विष्णु लोक को गए। वह श्रेष्ठ बाण और चार भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका अधिमाध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप स्तुति के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निश्चय कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुखों थोड़े से ही प्रतन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक देने वाला दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रवेश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुखों आदि को दूर करने वाला, धन ध्यान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों का विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पूर्वक होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल घी दूध और गेहूं का चूर सह लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जन्म करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा अनुसार पूरी होती है, विशेष कर काली काल में भूमि पर, यही मोक्ष का सरल उपाय है। यदि श्री सत्यनारायण पहला अध्याय चल दूध जी बोले, हे श्रीष्ट, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। उधर काशी नदी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य धरती पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बोले, ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा और उसके साथ पूछा, हे मित्र, नित्र दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर गिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। बुद्धि ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का मनवांछित वर देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाया कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको
करूंगा यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, संत नारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत बहुत धन मिला, जिसके बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मुक्त प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। श्री बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्या के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने के को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ीहारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ ध्यान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ीहारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत ले और खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़ीहारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गए। उस रोज वह पर उसे उन लकड़ीहारों का दाम पहले दिनों से चुगना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ीहारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फल्ली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गए। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ीहारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री श्री सत्यनारायण तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय मैं उकलाम मुख का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवो स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमला के समान मुख्य वाली और सती सदिव्य थी। भद्रशाली नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण व्रत किया। उस समय वह पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चिंता से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रदीक की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुन व्यवहार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगा तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अंतर्धित हो सामारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो अपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आवासन दे वह नगर को गया। कलावती मृत ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर
कहा कि पुत्री के लिए कोई योग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वह पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सौभाग्यवाणी पुत्र को ले आए। उस सौभाग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमान सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए और वह दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को अंत देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा, देख तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्न से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वह उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे, साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु स्वयं में दर्शन देकर कहा, हे राजन दोनों वैश्य को प्राप्त ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रदी नष्ट कर दूंगा। राजा ने राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल राज्य चंद्रकेतु ने सब में अपना स्वर सुनाया, फिर दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सब में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे मनुष्य भाव भविष्य ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले दिए। बोले श्री सत्यनारायण चौपाध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार करके यात्रा आरम्भ की और अपने नगर को चल उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडित वैश्याधारी सत्यनारायण ने उसने पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडित आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडित ऐसा कहकर वैश्य दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडित के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभो किया तथा नाव में बेल पत्ती आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छ खुलने पर अत्यंत सुख प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडित का श्राप है, अंत उनकी शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडित के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो असंत वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान हो रोने लगा। तब दंडित भगवान बोले, हे वाणी पुत्र मेरे आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान आपकी माया से ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं आज्ञाकारी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं
स्मार्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान लोक में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देखकर अत्यंत हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव से बड़ी पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूध को घर भेजा। दूध ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु आपने तमाम सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने भय हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ मत। के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को नाव देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नोक को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखा साधु दुखित हो बोला है प्रभु मुझसे या मेरा परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई है साधु तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है इसलिए इसका पति आदर्श हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया फिर आकर पति के दर्शन की। तब साधु ने बंधुओं के सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। इति श्री सत्यनारायण पांचवा अध्याय ओम शंकर भगवान की जय। जय जगदीश।